नमस्कार दोस्तों, मैं यूपी ब्लॉगर आराध्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो आज हम आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये बहुत पुराना वीडियो है। हम आपको बता दे रहे हैं, जब हम आप खजुराहो गए थे ना, तब मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। तो आज फाइनली आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है इसे रिकॉर्ड करने में। जो चीज़ें आप जो है इतिहास में पढ़े थे, पन्नों में देखा था, तो फाइनली आज हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो मैं आपको अपने वीडियो के जरिए हकीकत दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, मिस मत करना। अगर आप मिस कर दोगे तो देखोगे कैसे कि हमने आज जो है अपने वीडियो में क्या क्या दिखाया है। वैसे आज का जो वीडियो है बहुत ही लंबा होने वाला है, फिर भी हम कोशिश करेंगे छोटा होने की। लेकिन क्या करें, इतना बड़ा मंदिर है, इस मंदिर का इतना महत्व है। अभी जो भैया हैं वो आपको बताएंगे इस मंदिर के विषय में। तो सबसे पहले यहाँ पे सब जो है पांव धुल लें, उसके बाद हम लोग जो है मंदिर के अंदर चलेंगे। तो चलो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस मंदिर के बारे में। आप लोग भी तैयार हो ना? तैयार हो कि नहीं? आज पांडव लोगों ने जब सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तब भगवान शिव जी ने उनको प्रसन्न होकर के मरकट मणि दी। मरकट मणि का अर्थ होता है सभी की मनोकामना वर्णन को दी। उसने सोचा आज अच्छे राजा के हाथ में कल किसी बुरे राजा के हाथ में पहुंच सकती है, इसका बिल्कुल होगा। सदुपयोग करने के लिए सबसे पहले उन्होंने इसके नीचे मणि रखी और मणि के ऊपर जैसी शिवलिंग स्थापित किया तो उसमें एक विषाद उत्पन्न हो गया। राजा ने सोचा अगर इस तरीके से शिवलिंग बढ़ेगी तो मंदिर तोड़ करके निकल जाएगी, तो उन्होंने इसका अभिषेक करा दिया। आज भी 18 फुट ऊंचा शिवलिंग है, जैसे अपन ऐसे पकड़ते हैं ना, वैसे पकड़ में नहीं आएगा। हर एक शिवरात्रि को खूब धूमधाम से बारात आती है, शिवरात्रि से लेकर होली तक विशाल मेला लगता है। तो सभी की मनोकामना देखो यही मंदिर में होता है, बाकी किसी मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं होता, केवल कराए करते जाने जाते हैं। इसके बाद फिर अपना ये वैष्णव रूप है कंदारिया महादेव। इन्हीं मंदिरों के ऊपर इवनिंग समय में लाइटिंग चांद होता है, जो नीले कलर के बॉक्स देख रहे हैं। 7:30 पे हिंदी वाला शो होता है और 6:30 पे आपका इंग्लिश वाला शो होता है। तो मंदिर के ऊपर लाइट डालने के बाद अमिताभ बच्चन की आवाज़ में सनराइज का इतिहास बताते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो उस डेट में दे दी गई हैं। चलते हैं, गाइड करना पड़ता है। आइए दोस्तों, आप भी हमारे साथ आइए। चलिए सब मिलके पूजा कर लेते हैं, भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। भाई इतनी दूर से हम लोग आए हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है पूजा करेंगे और भगवान से आशीर्वाद लेंगे, ताकि जो है भगवान हमारे ज़िंदगी में हमेशा ऐसी ही खुशी बनी रहे। तो देख रहे हो आप लोग ना, ये सब ईंटे नहीं, ये सब पत्थर है, पत्थर काट के बनाया गया। सोचो कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। तो काफ़ी खूबसूरत सी जगह है ये, अपना पूजा वाला मेन मंदिर माना गया है जी। मतंगेश्वर का अर्थ होता है सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले को मतंगेश्वर कहा गया है। ये 9 फीट ऊपर निकला, 9 फीट अंदर जिलेरी में पूरा 18 फीट शिवलिंग है। यही एक शिवलिंग है जिसमें आज भी धूमधाम से आज तक पूजा होती है, बाकी जितने भी मंदिर हैं। यार थोड़ा सा
तो दोस्तों हम सब जो है पंडित जी को प्रणाम कर लेते हैं और चलो आप लोगों को और भी खूबसूरत सूरज जो है चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है ना बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ जो है लक्ष्मण मंदिर भी हैं, तो चलो हम आप लोगों को बारी बारी से सब चीज़ें दिखाते हैं, सब भगवान को दर्शन कराते हैं। आप लोग भी प्लीज़ एक बार ज़रूर आ जाइएगा, खजुराहो बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। तो चलो अब चलते हैं, आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ। तो दोस्तों आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर आना इसे देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। हाँ, जो हमारे सब्सक्राइबर दूर के हैं नहीं आ सकते, वो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? और अपने घर वालों को भी दिखाना इस जगह को, और जो आ सकते हैं वो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर आइएगा इसे देखने के लिए। ये देखो, ये सारी चीज़ें जो है पत्थर से बनी हुई है, पत्थर काट के बनाया गया है। देखो कितना खूबसूरत सा है ना, ये लक्ष्मण मंदिर था जो हमने आपको अभी दिखाया, बहुत दूर तक बना हुआ है। बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन हम लोग जो है थक चुके हैं, नहीं जा सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर मैं जो है लगातार शेयर करूँगी तो समझ लेना 3-4 घंटे लगेंगे इसे जो है इसका वीडियो बनाते हुए, तो इसलिए हम जो है थोड़ी थोड़ी क्लिप शेयर कर रहे हैं। और चलो अब इस मंदिर में चलते हैं आप लोगों को लेके, देख लो इस मंदिर को भी। उनके पापा का जो है ना ऑफिस बंद नहीं था, उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली हुई थी, बड़ी मुश्किल से जो है उन्हें छुट्टी भी मिली थी, छुट्टी दे नहीं रहे थे तो बैंक वालों ने। चलो देख लो, उसके बाद हम आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है? Thank you.
दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितनी खूबसूरत सूरसी मूर्ति है। सब कुछ जो है पत्थर से बनाया गया है और बहुत मेहनत लगी होगी ना इसे बनाने में। तो कितने अच्छे कलाकार थे अपने हिंदुस्तान में, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, आज भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो है आज भी ऐसी मूर्ति बना सकते हैं और बनाते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे देखो हमारे दोनों बच्चे जो है मस्ती कर रहे हैं, अभय हैं प्रत्युष हैं, खेल रहे थे दोनों। ये सब पत्थर है, कितना साफ है ना, देखो कहीं भी आपको टूटा दिखाई नहीं देगा। कितनी अच्छी जो है डिजाइन बनाई गई है, इस पर भगवान की प्रतिमा है, आप लोग देख सकते हो, दर्शन कर लीजिए भगवान का और प्रणाम कर लो आप लोग भी, शुरू भगवान है। और मैंने आप लोग को दिखाया था ना लक्ष्मण मंदिर, तो उन्हीं का पोस्टर है, ये भी पत्थर का ही है। ये सारी चीज़ें जो है पत्थर पे लिखी गई है, ऐसा नहीं है कि कागज़ का है या प्लास्टिक का है, ऐसा कुछ नहीं है, सब पत्थर की है। तो चलो अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं दूसरी तरफ, वहाँ भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो इस मंदिर को भी देखो, बहुत दूर तक बनाया हुआ है। अगर सच में अगर मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँ ना, तो समझ लेना सारा दिन निकल जाएगा, सुबह से समझ लो शाम आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सच में यार अगर आप आओगे ना तो खुद देख लेना कि मैं सच बोल रही हूँ कि इतनी दूर तक बना हुआ है।
तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना, हमारे जो हस्बैंड जी हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। बहुत ही खूबसूरत सा जो है पार्क भी बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो कितनी खूबसूरत सी जगह है ना। तो क्या बात करें यार, आप लोग खुद देख लो। अब चलो हम सब चलते हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब नहीं जा पाएंगे, किसी भी मंदिर में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पैर जो है बहुत ज़्यादा दुखने लगा है। ये भी एक मंदिर है और इसके पीछे भी है, और वो जो आप लोग देख रहे हो ना वो भी मंदिर है। तो हम लोग उतनी दूर जाना पड़ेगा तब हम लोग जो है जा पाएंगे। तो फाइनली अब हम लोग यहीं से देख लेते हैं, यहीं से दर्शन कर लेते हैं, भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि अब नहीं चला जा रहा है। और बच्चे को भी भूख लग गई है, यानी हमारे अभय को, उन्हें बहुत भूख लगी है। और दूध का जो बॉटल है हम वहीं कार में ही छोड़ के आ गए हैं। तो चलो अब उन्हें पिला देते हैं दूध, उसके बाद हम लोग निकलते हैं अब घर के लिए, क्योंकि हम सब ने बहुत सारा एंजॉय किया है। नंदी मंडप, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी है। और विश्वनाथ मंदिर है, नंदी मंडप है, मतलब कई मंदिर हैं यहाँ पे। चलो देख लो आप लोग, और उसके बाद चलो अब घर चलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को बताओ किससे बना हुआ है, नहीं पता ना। ये सब चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है, सब बांस की, जो नीचे की खुद्दी होती है ना, वहाँ खुद्दी ही बोलते हैं हमारे यहाँ, उसी की सब बनाई गई है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों चलो अब चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे ब्लॉग के साथ। उसका वेट करते रहना, बहुत ही जल्दी फिर मुलाकात करेंगे, और उम्मीद भी करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। बाय दोस्तों।